कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल की चुनाव संचालन समिति से इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ है कि आनंद शर्मा ने यह कदम कांग्रेस पार्टी में हुए अपने अपमान के कारण उठाया है। आज कांग्रेस के कई नेता पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और इस वजह से वे पार्टी छोड़ रहे हैं या अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। हाल ही में विधायक पवन काजल और लखविंदर राणा भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि एक संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है। कांग्रेस एक विभाजित पार्टी है जिसके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो हिमाचल में वर्तमान कांग्रेस का नेतृत्व कर सके। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में कही। प्रदेश में दोबारा सरकार में विराजमान जिस तरह से आप बता रहे कि जो आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस को, हालांकि उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है, जो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है और साथ में ये भी कहा है कि आई एम कमिटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस। तो क्या आपको लगता है ही विल जॉइन बीजेपी इन डेज टू कम? नहीं, देखिए अभी तो खैर उन्होंने जो जिस कमेटी का उनको कमेटी में लिया गया था उससे उन्होंने जिसके चेयरमैन बनाया गया था स्टीयरिंग कमेटी उससे उन्होंने रिजाइन किया है। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से नहीं स्टीयरिंग कमेटी से रिजाइन किया है और कारण उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार से जो उनके जूनियर्स हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, उनकी लगातार अनदेखी हो रही है, लगातार उनको जो है नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है। तो कहीं ना कहीं आनंद शर्मा जी जो है जो एक सीनियर कांग्रेस लीडर है आज उनको जो अपनी उपेक्षा के कारण जो इंसल्ट फील हो रही है कहीं ना कहीं वाहत है और आगामी क्या कदम उनका रहने वाला है ये तो अभी भविष्य के गर्भ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में इस प्रकार की कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसा आप कह रहे हैं कठिनाइयाँ होंगी, कांग्रेस कमज़ोर पड़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश में। बीजेपी पहले से ही कहती आई है कि हिमाचल प्रदेश में जो तीसरा फ्रंट है या तीसरी कोई पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से ही जो लड़ाई होगी इन चुनावों में। तो आप क्या मानते हैं, अब कांग्रेस पीछे होगी या आपका जो कंपटीशन सीधा है वो आम आदमी पार्टी से होगा? नहीं, देखिए ये बात तो हम समय समय पर कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है, लगातार सशक्त होती जा रही है और मैं समझता हूँ मुकाबले में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए आनंद शर्मा जी जो एक बहुत सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और पिछले कल उन्होंने रिज़ाइन किया है, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उनकी उपेक्षा पार्टी के द्वारा की गई है, बार बार उनको इंसल्ट की जा रही है और उससे खिन्न होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, तो मैं समझता हूँ आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो जो हम बार बार कहते हैं कि पार्टी के अंदर कांग्रेस के नेता जो घुटन महसूस कर रहे हैं, गुटबाजी चरम सीमा पर है। आनंद शर्मा ही नहीं, ये बात कई लोग कह चुके हैं इससे पहले। अभी अग्निहोत्री जी जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी में अगर टिकटों को लेकर कोई गड़बड़ी होती है या पैसों का लेन देन होता है, अर्थात इस प्रकार की बातें आज कांग्रेस पार्टी में चल रही हैं। अग्निहोत्री जी ने कहा कि वो पार्टी छोड़ देंगे। इससे पहले ऊना में जो उनके विधायक है रायजादा, उन्होंने भी कहा कि जो दो विधायक अभी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, हमारे आदरणीय पवन जी और काजल जी और आदरणीय लखविंदर राणा जी, उसके बाद उनका बयान आया था कि संगठन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसी वजह से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अर्थात आज कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में जो है बढ़ चुकी है और आज ही मैं देख रहा था, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि उनकी जो प्रदेश अध्यक्षा हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो भी दिल्ली से बैठक छोड़कर वापस लौटी हैं। तो जिस प्रकार से आज धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी,
आज जो स्थिति पूरे देश भर में उनकी है, ये स्थिति उनकी प्रदेश में भी रहने वाली है। और अभी तो आनंद शर्मा जी ने ही इस्तीफा दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि दो विधायक अभी शामिल हुए, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और बिखराव के साथ जो है हम देखेंगे और छिन्नभिन्न होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं वो दिन दूर नहीं है जब फिर से बात। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।